बबाकी, मैंने तुम जैसा आलसी लकड़बग्घा कभी नहीं देखा। मैं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आपसे कुछ भूल हुई होगी, मैं कैसे आलसी हो सकता हूं? कोई भूल नहीं हुई। उस सिम्बा से पीछा छुड़ाने के लिए आज तक तुमने एक उंगली भी नहीं हिलाई। कहाँ है वो? पता नहीं मालिक, पर उसके पास जाना मुश्किल है क्योंकि वो अकेला नहीं होता, ये जोखिम भरा है। जोखिम? तुम्हारा यहाँ बैठे रहना जोखिम भरा है, समझे? समझ गया। और आज से मुझसे किसी खाने की उम्मीद मत करना जब तक सिम्बा को नहीं लाते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने जानवर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तुम बस उसे ले आओ। और अगर तुम मुझ तक उसे पकड़ने की कोई योजना नहीं लाते तो तुम भी वापस मत आना, समझे? समझ गया हुजूर, मैं सिम्बा को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे सामने खाली हाथ मत आना। नहीं आऊँगा, देखिए मैं लेके आऊँगा। इस बेवकूफ के बच्चे पर विश्वास करना बेवकूफी है। लगता है मुझे ही सिम्बा को ढूंढना होगा। मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई, सिम्बा को पकड़ने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। दवा की अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लाल चीटिया, मुझे नदी पे जाना होगा। मैं यहाँ रहकर इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम निकल जाना। हाँ, फिर तुम मेरे निशानों का पीछा करते आ जाना। ठीक है। क्या तुम यहाँ से खिसकने वाले हो? माँ ने साथ में खेलने को कहा था। चलो भी सिम्बा, मैंने एक मजेदार खेल सोचा है। ठीक है, बताओ कौन सा खेल है। बकशॉट, तुम क्या कर रहे हो? जाओ। हाँ हाँ। ये बकशॉट कहाँ चला गया? शायद उसके पेट में दर्द है। गंध है? पता नहीं, शायद यहाँ से आ रही है। लगता है यहाँ से आ रही है। ये सही समय है यहाँ से गायब होने का। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ से निकल गया। वो अब वही है। चलो भागो। तुम दो में एक, ये बहुत नाइंसाफी है। अरे सिम्बा कहाँ गया? अभी तो यही था। ये दो लोग कितना मजा करेंगे। सिम्बा चला क्या? हमें भी साथ ले चलता, सब दो लोग मिलकर क्या करेंगे? अब तक तो हमारी बहुत दूर निकल गया होगा। वो कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। चलो बताते हैं। मुझे वैसे भी भूख लगी है। हाँ चलो। ये तो तबाकी है, ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? नीचे आओ, मुझे तुम लोगों से कोई खुफिया बात करनी है। जल्दी आओ, जरूरी है। मुझे इस पे विश्वास नहीं है। मालिक ने भेजा है शेर। मुझे भी नहीं, मैं जाकर सरदार को बुला लाता हूँ। ठीक है, जल्दी बताओ तुमको क्या चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शेर खान ने मुझे सिम्बा को पकड़ने का काम दिया, समझे तुम? अरे जानता हूँ मैं सिम्बा कौन है। अगर मैं जल्दी से जल्दी उसे शेर खान तक नहीं ले गया तो मैं नहीं बचूंगा। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। सरदार इसे मना कर दो, याद है ना सिम्बा की रखवाली वगैरह कर रहा है। मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तबाकी। सच में शुक्रिया। पर इसके बदले में तुम्हें मालिक के सामने हमारा गुणगान करना होगा। मैं वादा करता हूँ उसे पकड़ने का आदेश तुम्हें मिलेगा। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तबाकी। तो बहुत पक्की हो गई, हम सिम्बा को पकड़ेंगे तबाकी के लिए। मुझे पूरा यकीन था तुम मेरी मदद करोगे।
बक्शॉट, सुनकर लग रहा है जैसे तबाके यहीं आसपास है। हाँ, ऐसा करते हम घर वापस चलते हैं। उस बेवकूफ तबाके का हमसे क्या मुकाबला, चलो। मुझे ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं। कैसा खतरा? मुझे तबाकी की गंध आ रही है। तुम सही कह रही हो। समझ नहीं आता वो क्या करने वाले हैं। चाहे जो भी करे पर अच्छा नहीं करेगा, ऐसा यकीन है। लगता है बच्चे आ रहे हैं। चमेली ढूंढने जाने वाले थे। मैंने उसे कहा था कि साथ रहना, फिर भी कहीं चला गया। फिलहाल तुम सब यहाँ घर पर थोड़ा आराम करो। सिम्बा और बक्शॉट का क्या? वो लगता है मुसीबत में है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। तबाकी के यहाँ होने का मतलब खतरे की घंटी है। का मैं भी साथ चलूं? नहीं, तुम्हें बच्चों के साथ यहीं रुकना होगा। हो सकता है तुम्हारे जाते ही वो यहाँ आ जाए। तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। तुम यहाँ पर कहा, सच बताओ क्या तुम फिर से शिकार करने निकले हो? नहीं, दरअसल सिम्बा और बक्शॉट कहीं गायब हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। तुम्हें यकीन है कि वो कहीं गायब हैं? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? हो सकता है, पर तबाकी आसपास घात लगाए बैठा है। वो तो शेर खान का साथी है ना? हाँ। ओ, मैं भी उन्हें ढूंढने में मदद करता हूँ। जल्दी काँ, काँ, काँ। और अपनी नजर जरा बंदरों पर भी रखना। तबाकी अपने बुरे कामों के लिए उनकी मदद लेता है। उनका पीछा करना चाहिए, उस तो गड़बड़ है। लगा के गए होंगे, तुम्हें इसे निकालना होगा। जल्दी करो, दर्द हो रहा है। पता है। क्या तुम इसे खोल सकते हो? कोशिश करता हूँ। संभल कर। बंदर यहाँ, वो इतनी दूर कभी नहीं आते, जरूर हमारा पीछा कर रहे होंगे। मैं जल्दी जाकर किसी से मदद मांगता हूँ। चलो चलो, ये क्या हो रहा है? देखो, मुझे माफ करना, मुझसे नहीं खुल रहा। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा बक्शॉट। ये तो सिम्बा और उसका दोस्त है। चलो सबको बताएं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि वो जा रहे हैं और दूसरों को लेकर आएंगे। हमें उन्हें गुमराह करना होगा बक्शॉट। हमारे काम आने वाली कोई चीज देखो, ताकि उन्हें लगे कि हमें इंसान लेके गए। नहीं लगता कि हमें पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, इसके लिए समय नहीं है, वो यहाँ आते ही होंगे। हो सकता है शिकारियों ने यहाँ कोई हथियार छुपाया हो। रुको, मैं देख कर आता हूँ। सिम्बा, कोशिश करके देखता हूँ। उनके आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना होगा। शिकारी का तीर,
बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये तीर है। क्या? शिकारी का तीर। इंसान इससे जानवरों को पकड़ते हैं। ये तो कितना नुकीला है। हाँ, वो पास आ गए हैं। मैं मरने का नाटक करता हूँ, तुम रोने का नाटक करो ताकि उन्हें विश्वास हो जाए। हाँ समझ गया, मैं जोर से रोता हूँ। ये क्या हो रहा है? सिम्बा, हमारा काम शिकारी ने कर दिया। आ, चलो। हाँ लगता है काम बन गया। चलो चलो, काम बन गया। वो जाकर सरदार को बताएंगे और सरदार तबाकी को। हाँ और तबाकी शेर खान को। उम्मीद है कि हमारे दोस्त हमें ढूंढ रहे होंगे। सरदार, सरदार, सिम्बा मिल गया है और शिकारी भी। पर उसका दोस्त अभी भी ठीक है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अभी तबाकी को बताता हूँ। हो गया? नो, शुक्रिया भी नहीं। तुम्हारे लिए एक दुख भरी खबर है। मेरे जीवन में वैसे भी बहुत दुख है। खैर सुनाओ, क्या खबर है? क्या मेरे भरोसेमंद साथियों ने तुम्हारी कीमती सिम्बा को ढूंढ लिया है। क्या, कहाँ है वो? तालाब के किनारे, खून से लथपथ पड़ा है। सच में ऐसा नहीं हो सकता? तुम्हें पूरा विश्वास है? अब मैं क्या करूँगा सरदार? शेर खान नाराज होगा, मैं तो गया। उस बक्शोट को रोता देख के तो मजा ही आ गया। मैं रो नहीं रहा हूँ। ठीक है, रो तो रो। हाँ बिल्कुल सही था, तबाकी और बंदर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। अब भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। शेर खान को सिम्बा चाहिए था। शेर खान को बुरी खबर सुनना पसंद है। हो सकता है सिम्बा जिंदा हो, तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं देखते? ठीक है, मेरे साथी तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएंगे। हाँ चलो आओ। आ जाओ। मेरे ख्याल से सिर्फ बगीरा ही खोल सकता है इसे। रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं, मेरे साथ यहीं रुको बक्शोट। हाँ, तुमने सुना क्या? बंदर वापस आ रहे हैं। खामोश, सुनो, तबाकी है। अगर उन्होंने पास आकर देखा तो हम क्या करेंगे? नहीं देखेंगे, तबाकी बहुत बड़ा पुस्तल है। पर हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जल्दी से तीर वापस वही रख दो जहाँ था, और जैसे ही वो पास आए इसे बाहर निकाल कर जहरीले होने का नाटक करना। इतना उन्हें डराने के लिए काफी होगा। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं अभी उसे खबर देता हूँ। वो देखो, वो देखो। देखिए, जाओ जाकर उन्हें यहाँ ले आओ। नहीं जनाब, वहाँ शिकारी हो सकते हैं। तो क्या हुआ? वो जा चुके हैं। शेर खान की याद करो। तब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक मेरी मर्जी चलेगी। अब जाओ ले आओ उसे। हमारा काम तुम्हें यहाँ तक लाना था, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। जवान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जहरीला है, जहरीला है ये तीर।
जाओ, देख कर आओ, जाओ। तुम लोग यहाँ मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? यहाँ आने का मतलब है तुम्हारी माँ संधि बंदरो। भागो, चलो, यहाँ से। बल्लू आ गया, अब हम सुरक्षित हैं सिम्बा। बढ़िया। लगता है तुम बंदरों ने खा खा कर वजन बढ़ा लिया है। मुझे मोटे ताजे बंदर पसंद है, मजेदार और स्वादिष्ट। आज मैं तुम बंदरों को और उस तबाकी को छोड़ूंगा नहीं। बताओ वो तबाकी कहाँ है? बगीरा, तो यहाँ देखकर अच्छा लगा। कितना कितना अच्छा मौसम है ना। मेरी बात सुनो, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने कभी अपने जीवन में सच्चाई का सामना किया है? झूठा कहीं का? गद्दार! मेरा पंजा, विश्वास नहीं होता। बुरे लोग और तो डरपोक बंदर। अभी तो मैं जा रहा हूँ पर मैं भूलूंगा नहीं। अब मुझे भी भागना होगा। भगीरा और का तुम्हें छुड़ा लेंगे। बढ़िया। हाँ, उन्हें देखकर अच्छा लगा। तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा। मैं तुम दोनों को ढूंढने जाने वाला था, पर सिम्बा चाहता था कि मैं यहीं रुकूं। हमने इसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर ये मजबूत है। हाँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी। तुम्हें लगता है तुम इसे खोल पाओगे बगीरा? लगता तो यही है, पर इसके लिए मुझे बहुत ताकत लगानी होगी, जिससे तुम्हें थोड़ा दर्द भी हो सकता है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा सिम्बा। फिक्र मत करो बच्चे, हम आ गए हैं, अब तुम सुरक्षित हो। तैयार हो? फिर से कोशिश करता हूँ। गहरी सांस लो सिम्बा, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। ये बहुत ज्यादा मजबूत है, समझ गया। अपना पैर बाहर निकालो। बहुत बढ़िया, निकल गया। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे सिम्बा। काओ, काओ। तो तुमने उसे जाल से बाहर निकाल ही लिया? क्या बात है बगीरा, बाकी सब भी आ रहे हैं। मैं एलेक्स को लेकर आता हूँ। सिम्बा, तुम ठीक तो हो ना? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम चले क्यों गए थे वहाँ से? अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो अब ठीक है। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? शिकारी के जाल में फंस गया था, पर एलेक्स इसे ठीक कर देगी। तुमने सच में बंदर और तबाकी को बेवकूफ बनाया। हमसे गलती हो गई, हमें अकेले कभी यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ, वाकई। वैद्य जी आ गई हैं। क्या बात है, इतनी जल्दी? शुक्रिया। अब इसे तुम देखो। तुम्हारी मदद चाहिए। कैसे हो सिम्बा? काऊ ने बताया तुम्हारे बारे में। हाँ, तुम्हें इस पत्ती को चबाकर गटकना होगा, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, मुझे पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल अपने पिता की तरह। सिम्बा, वो जैसा कहती है करो। बक्शा ठीक कह रहा है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या तुम उसके पैर पर पत्ती बांधोगी? हाँ हाँ सिम्बा, मैं ये पत्ती तुम्हारे पैर में बांधूंगी ताकि घाव भर जाए। संभल के, दर्द हो रहा है। याद है ऐसा ही जब कुछ तुमने मेरी पूंछ पर भी बांधा था। हो गया, अब ठीक है। वो ठीक से चल पाएगा ना? जरूर, लेकिन हर कदम इसे आराम से रखना होगा। ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे। क्या तुम चल सकते हो? अरे वाह,
अब हमारे साथ भाग कर दिखाना। ये देखो एक तीर। शिकारी इसे भी यहाँ छोड़ गए। तीर चाल, वो कब शांति से रहने देंगे? क्या तुम्हें भी चाल नहीं दिखा? हाँ, हम दोनों भाग रहे थे और सिम्बा देख नहीं पाया। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम चल सकते हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि घास पर दौड़ते वक्त ख्याल रखना, तुमने नहीं सुना। नहीं, दरअसल तुमने मुझे सूरज को घूरने से मना किया था। अब हटो यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना मेरी नाक पर बैठने से गुदगुदी होती है। पर मुझे तुम्हारी आंखों में खुद को देखना अच्छा लगता है सिम्बा। कैसे हो तुम सब? यही है वो जाल जिसे सिम्बा को पकड़ा था, लेकिन ऐसा तो जाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तुमने? मैंने ऐसा एक देखा है, पर इतना मजबूत नहीं। पूरी ताकत लगाने के बाद ये खुला। सही कहते हो बगीरा, लगता है इंसानों ने मजबूती के लिए कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। अगर तुमने हिम्मत से काम नहीं लिया होता तो तुम मुसीबत में पड़ जाते सिम्बा। और अगर सच कहूँ तो काओ जब मुझे लेने के लिए आया था तो मैं इसकी पढ़ाई कर रहा था। जब शेर का बच्चा मुसीबत में अपनी असली ताकत और विवेक से काम लेता है तभी उसका असली भाग्य चमकता है, इसीलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। इसका मतलब हमें भी जंगल के तौर तरीके सीखने होंगे, हम सभी को। बिल्कुल सही, अब से तुम्हारी और बक्सशॉट की पढ़ाई पर खास ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बहुत हो गई मस्ती। आज के बाद बिना बताए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब सारे मजे खत्म हुए। हाँ, अब सारे मजे खत्म। देखना बच्चों, शिकार सीखने में मजा आएगा। चलो अब घर चलते हैं। चलो, भूख लगी है। हाँ हाँ, पर सिम्बा कैसे चलेगा? वो तो चल भी नहीं सकता। मुझे पता है। संभल के। जंगल के होने वाले राजा की सवारी बनना मेरी खुशकिस्मती है। चलो अब घर चलते हैं। नहीं, मेरी नाक पर नहीं। और मेरी नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि ये बच्चा कभी जंगल का राजा बनेगा? ये लिखा हुआ है। मैं आपके पास आने ही वाला था मालिक, मुझे सिम्बा मिला था, कुछ शिकारियों ने उसका शिकार कर लिया। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? तुम्हें यकीन है? जी हुजूर, मैं वही था, वही था। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारा खेल खत्म। आज आखिर सिम्बा और बक्सशॉट ने सीख लिया कि जीवन में आपसी एकता से बढ़कर कुछ नहीं। हमें अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए, साथ ही मुसीबतों का सामना धैर्य से करना चाहिए। क्या सिम्बा जंगल का राजा बनने की शिक्षा ठीक से ले पाएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए।